Sangeeta, welcome to Love Heals Cancer and GenOnco.io. It's a pleasure to host you on this platform. As I told you, we do cancer healing journey sessions in which we tell your journey as a survivor to the world so that people who are still fighting this battle, who are still going through this, can get some motivation and inspiration from it. So we'll share your cancer healing journey today. Why don't you just start by introducing yourself and telling us what were your symptoms and how were you diagnosed? Yes, myself Dr. Sangeeta Gupta. मैं एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ और मेरी ओपीडी के साथ में मैं पंचकर्मा सेंटर भी रन करती हूँ और स्पेशली गर्भ संस्कारा एंड बीज संस्कारा सेशंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों लेती हूँ. ये मेरा प्रोफेशन है. इसके अलावा मुझे जो कैंसर से रिलेटेड यदि जर्नी की बात अपन करें तो मुझे 10 ईयर्स बैक कैंसर हुआ था और फर्स्ट सिम्टम आई वॉज कम अक्रॉस वॉज दैट आई फीलिंग अ लंप इन माई राइट ब्रेस्ट. So I just go for sonomammography and in that sonomammography there is nothing. This is just simple fibroadenoma या simple एक गठान बताई गई थी कि आप antibiotic anti-inflammatory लेके ये ठीक हो सकती है. But after 8 to 10 days actually my husband is also doctor. So he told me that we have to go for second opinion. So we just moved to Bombay Hospital. And we met with Dr. Namrata Kachara. She is a very good doctor, oncologist, and very good human being also. She has very pure heart. And she examined me very carefully and not ignore any symptoms. And she told me to go just for, again, sonomammography. So, sonomammography, jab karwai, unko bhi kuch suspicious laga. To unhone FNAC, पाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसमें ब्रेस्ट लंप का थोड़ा सा मटेरियल लेके उसकी पैथोलॉजी जांच होती है, तो वो करवाई. उसमें वहां पर डॉक्टर अरुण थे, उन्होंने मुझे एक्चुअली इन्वेजिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा डायग्नोस कर दिया था. मुझे वो डेट भी याद है, एक्चुअली 25 नवंबर थी वो डेट जिस दिन मेरा डायग्नोसिस हुआ था. तो इन्वेजिव टर्म सुन के तो मुझे बहुत ही डर लगा कि इन्वेजिव मतलब ये कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है. पर फिर उसके बाद में हम लोगों ने मेरे फैमिली मेंबर्स मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे अलावा मेरी मम्मी और ब्रदर को इन्वॉल्व किया और मेरे इन-लॉ साइड से मेरे सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड ये लोग आए. हम लोगों ने घर पे मीटिंग की. फिर एक्चुअली आज से 10 साल पहले, आज तो सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन 10 साल पहले कैंसर बहुत मामूली नहीं था. ठीक है, उसका इलाज सब निकल चुके थे पर फिर भी सब लोग डरते थे उससे, तो हम लोग भी डर रहे थे. फिर हम लोगों ने सोचा कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा वही करेंगे. मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि अब मतलब हम कोई चीज के लिए वो नहीं करेंगे, कहीं भी जाना पड़े कितना भी खर्चा हो, लेकिन वी हैव टू गो फॉर द बेस्ट. फिर यहाँ पे मेरी गायनेकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर नीरा गोयल, उन्होंने मुझे डॉक्टर अनुपमा नेगी का नाम सजेस्ट किया, जो एक एनजीओ रन करती है संगीनीज नाम से, और वो पीडियाट्रिक एनेस्थेटिक है, थी मतलब अभी नहीं है वो, और वो काउंसलिंग करती थी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को. तो मैं उनके पास में गई. आई वाज शॉक्ड व्हेन आई वेंट टू हिम हर आई वाज शॉक्ड दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम रिकरेंस ऑफ कैंसर एंड शी इज टेलिंग मी दैट नो वरीज यू कैन सर्वाइव. सो आई हैड्स ऑफ टू हर दैट मीन्स वो उसको पता है कि एज ए डॉक्टर वो जानती है कि कीमोथेरेपी या अदर मेडिकेशन के द्वारा मैं 3 या 4 साल निकाल लूंगी, लेकिन उसके बाद में मेरा कोई गारंटी नहीं है. पर फिर भी वो मुझे ये इंस्पायर कर रही है कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो और कैंसर का डजंट मीन कि आप सिर्फ जाने ही वाले हो. और जब मैं वहां गई, उनके सामने बैठी हुई थी, तो मैं आई वॉज क्राइंग टू मच, मेरा फेस पूरा आंसुओं से भरा हुआ था. पर मैं जब वहां से उठी उनके पास से, तो मुझमें काफी हिम्मत आ गई थी. उन्होंने मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड दिया था, मेरा विल पावर स्टेमिना बढ़ा. इसके अलावा उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि मुझे मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए. नो डाउट कि इंदौर में भी काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे भी अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था. पर एक्चुअली शी सजेस्टेड मी दैट आई हैव टू गो टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे. सो वी मूव देयर एंड वहां पर हमने डॉक्टर राजेंद्र बड़वे के अंडर में ट्रीटमेंट लिया.
डॉक्टर राजन बड़वे एशिया के ब्रेस्ट कैंसर सर्जन जाने माने हैं, और वो वहां पर एक्चुअली टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सारे कंट्रीज से बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक्चुअली वो हम जानते हैं कि वो एक रिसर्च सेंटर भी है, तो वहां पर जो उनका अनुभव और एक्सपीरियंस रहता है उसके आधार पे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं वो बेस्ट होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वो मैंने जो डिसीजन लिया वहां जाने का वो बिल्कुल सही था। उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रोजन सेक्शन करेंगे। फ्रोजन सेक्शन ये होता है कि उसमें पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे ही रखते हुए उसका जो भी लंप है या फाइब्रॉइड या गठान है उसका कुछ हिस्सा पैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है, और वो 10-15 मिनट में वहां से कंक्लूजन आता है कि क्या हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन कितना करना है ये डिसाइड करते हैं। तो आई वाज सो लकी कि मेरा मतलब 2 सेंटीमीटर से कम था जो लंप था, और उसमें उस वक्त तो कुछ भी नहीं आया था फ्रोजन सेक्शन में, नो मैलिग्नेंट सेल, उसमें कोई मैलिग्नेंट सेल्स ही नहीं दिखी थी, और फिर भी उन्होंने वो लंप और हल्का सा आसपास का एरिया उतना रिमूव करा था। उसके बाद में फिर 15 डेज बाद हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आने वाली थी, तो हम लोग वहां से आ गए, तो 15 दिन बाद वापस जाना था हमें। जब हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई तो हम लोग बहुत शॉक हो गए, क्योंकि वो हम लोग जब इंदौर में थे तभी हमें मालूम पड़ गई थी, तो उसमें आया था कि मैलिग्नेंट सेल्स उसमें दिख रही है। तो एक्चुअली हम लोग काफी फ्री हो गए थे माइंड से, और अब ये वापस आ गया तो फिर टेंशन हो गया था। फिर एक्चुअली इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ ना, तो और कुछ दिखता ही नहीं है उस वक्त, लगता है कि नहीं किससे कंसल्ट करें किससे बात करें। फिर मैंने डॉक्टर राकेश तारण है हमारे यहाँ पर इंदौर में कीमोथेरेपिस्ट, उनसे बात करने की सोची, और आप विश्वास नहीं करोगे 31 दिसंबर का दिन था वो, और 31 दिसंबर को सभी लोग मतलब मूड में रहते सेलिब्रेशन के, फैमिली के साथ में स्पेंड करने के, लेकिन उन्होंने मुझे काफी मतलब टाइम दिया, काफी अच्छा टाइम दिया, और इवन मेरी काउंसलिंग भी की। और मेरा एक्चुअली लकीली बहुत खुशी की बात है कि मेरा 0 स्टेज पे ही था, या DCIS था, डक्टस कार्सिनोमा इन सीटू, मतलब वो ज्यादा स्प्रेड नहीं होता है ब्रेस में, उतनी ही जगह में वो इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो सर ने मुझे काफी रिलैक्स किया कि नहीं आपका कोई इतना बड़ा नहीं है और आप आराम से इसको ठीक कर सकते हैं, अपन कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम भी उन्होंने 1.5-2 घंटे तक मेरी काउंसलिंग की, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार उस दिन भी हूँ, हमेशा रहूंगी। और उसके बाद में फिर हम बॉम्बे गए रिपोर्ट आने के बाद में, तो डॉक्टर बड़वे से मिले, उन्होंने भी मुझे ये बोला कि आपका कुछ ज्यादा नहीं है, पर एक्चुअली जो भी हल्के फुल्के स्केटर्ड मैलिग्नेंट सेल्स दिख रहे हैं इसलिए मैं आपको अंडर ट्रीट नहीं छोड़ सकता हूँ, ओवर ट्रीट चल सकता है लेकिन अंडर ट्रीट नहीं चलेगा। तो उन्होंने मेरी सिर्फ 4 कीमो प्लान की और 25 साइकल्स ऑफ रेडिएशन ये प्लान करा, और उन्होंने कहा आप इंदौर में ले सकते हैं, तो मैं इंदौर में आके ही फिर मेरा वो चालू हुआ। इंदौर में मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। कीमोथेरेपी में मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे को मेरा जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स है, और जो भी मेरा सर्कल है सराउंडिंग से, सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की, केयर की, इवन मेरे मैड कुक सर्वेंट्स, सभी लोगों ने मुझे जितनी हो सकती थी उतनी हेल्प की। इसके अलावा मेरा ब्रदर है जो, उसका विल पावर काफी हाई रहता है वो हमेशा ही मतलब मैं डरती थी कि यार मुझे ये क्या हो गया ये, वो तो मुझे कुछ नहीं जरा सा कुछ है निकल जाएगा, वो इतना रिलैक्स कर देता था कि मतलब जो कोई बात ही नहीं है, तो उस चीज से भी मुझे काफी पावर मिलती थी। फिर मम्मी मेरी मदर है वो काफी केयर करती थी, और मेरे इन लॉज भी सभी बहुत अच्छे हैं, उसमें भी जो मेरी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है और एक मेरी जिठानी रतलाम में, वो जितनी भी बार में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गई बॉम्बे वो मेरे साथ हमेशा गई, और उन्होंने मुझे हमेशा मतलब हाई उस पर रखा, कभी भी मुझे लो मोड पे नहीं आने दिया। इसके अलावा यहाँ पर मैं मेरा कीमो चल रहा था, और आप विश्वास नहीं करोगे कीमोथेरेपी में सभी लोगों को रेस्ट करने का बोला जाता है कि कम से कम 1 वीक तक आपको रेस्ट करना है, बाहर नहीं जाना है, लेकिन मेरा आज कीमो होता था और मैं अगले दिन मेरे क्लिनिक चली जाती थी मास्क लगा के तो मुझे मतलब मुझे उससे रहते ही नहीं बनता था, ऐसा लगता था नहीं मैं, क्योंकि एक्चुअली पेशेंट्स भी काफी डिस्टर्ब हो रहे थे, जो मेरे पेशेंट्स थे उनको मेरा ही ट्रीटमेंट चाहिए था, वो भी एक कारण था। दूसरा है कि मैं इजीली कर पा रही थी तो मैं चली जाती थी। मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा मेरी कीमोथेरेपी लाइट भी थी, और बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं आए, ना डाइजेस्टन से रिलेटेड आए ना और कुछ, मतलब वीकनेस वगैरह भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगती थी, तो मैं आराम से क्लिनिक चली जाती थी।
और उस वक्त एक जवारे के रस का वो चल रहा था, जवारे का रस पीना है कीमोथेरेपी में, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है या जो भी है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी जो सर्वेंट है उसको रोज गेहूं बोती और वो जवारे की रोज केयर करती थी, रोज उसमें पानी देना, निकालना, साफ करना सब करती थी, और मेरी कुक मुझे उसका जूस बना के देती थी। तो ये उन लोगों के लिए मैं, ये चीज मुझे हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं। इसके अलावा बाकी सभी जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो लोग मुझे काफी सपोर्ट करते थे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ठीक है, मैं डरी हुई तो थी, एक साल तक तो काफी डर लगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी भी बेटी उस वक्त 8 साल की थी, तो मुझे काफी चिंता होती थी उसकी कि यदि मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा, और वो थोड़ी सी इनोसेंट भी ज्यादा ही थी तो मुझे उसकी भी कुछ चिंता होती थी। पर फिर उसके अलावा मेरे, मतलब मुझे भी ये था कि नहीं, अब लाइफ में कोई चैलेंज आया है तो इसे मुझे एक्सेप्ट करना है, और इसमें अपने, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, कोई चॉइस थी। जब भी हम कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो ओवरकम करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि अपन स्टार्ट कर देते हैं कि अब ठीक है, अब मुझे इसको ठीक करना ही है। तो मैं उसको काफी अच्छे से कर पा रही थी, मैनेज कर रही थी, सब मेरा चल रहा था। फिर उसके बाद में, मेरी कीमो होने के बाद में एक और मेरे लिए चैलेंज आया, मेरे सारे बाल निकल चुके थे। तो मुझे ये था कि मैंने वीक बनवा ली थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं क्लिनिक कैसे जाऊंगी, मैं बाहर कैसे निकलूंगी, वीक एकदम से मेरा फेस चेंज लग रहा है, कोई क्या बोलेगा। पर फिर मैंने उस वक्त ये डिसाइड करा कि नहीं, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाना है। और मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम कीमो वीक लगा के बाहर निकली और क्लिनिक पे गई, तो मैं इतने आराम से बैठी, मतलब मैंने किसी को ये महसूस ही नहीं होने दिया, सोचने नहीं दिया, या मैं खुद ही उसके लिए, मतलब वो नहीं थी कि, मतलब उसको लेके मैं कोई बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ, वैसा नहीं था। तो मुझे, मैं खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट थी कि ठीक है, मुझे लगाना है, मतलब लगाना है, इट्स ओके। तो किसी पे भी उसका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद ही उस चीज को लेके बहुत ज्यादा वरीड नहीं थी और कॉन्फिडेंट थी। मुझे ये चीज में लगती है कि अपनी यदि कोई कभी वीकनेस रहती है, उसको यदि अपन खुद ही बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं यार कोई क्या सोचेगा या ये, तो वो चीज बढ़ जाती है और सब तक उसके वाइब्रेशन फैलते हैं। और यदि हम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं और उसको ओवरकम करते हैं, तो दूसरे लोग भी उसको नेचुरली निग्लेक्ट ही करते हैं, फिर वो लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते उस बारे में। तो ये एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। इसके बाद में मेरा 4 कीमो होने के बाद में मेरा रेडिएशन था, जो चोइथराम हॉस्पिटल में था, वहीं से मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से प्लान करके दिया गया था कि डॉक्टर आरतीकौल पटेल है वहाँ पे, उनसे आपको लेना है। तो वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों जाते थे, पर एक्चुअली 2-3 घंटे लग जाते थे तो इनका क्लिनिक पूरा खराब हो जाता था। तो मैंने कहा मैं खुद ही कार से चली जाऊंगी, तो मैं खुद ही चली जाती थी कार से। फिर मेरी मम्मी का घर रास्ते में आता है, तो मम्मी ने मुझे कहा कि मुझे रास्ते में से बिठा लिया कर, मम्मी ने मुझे अकेले कभी नहीं जाने दिया। तो मेरी मम्मी को मैं वहां से लेती थी, आते वक्त ड्रॉप कर देती थी, एटलीस्ट मतलब जितनी देर वहां बैठे हैं और दूसरे पेशेंट के संपर्क में आ रहे हैं तो मम्मी मेरे साथ रहती थी, क्योंकि एक्चुअली कई पेशेंट्स क्रिटिकल भी रहते थे, तो वो लोग आपस में ऐसी बातें करते थे कि उसको सुन के भी डर लगता था। तो मम्मी के होने से काफी सपोर्ट रहा, और इस तरह से मेरा ये 25 डेज का रेडिएशन भी हो गया। एक और बहुत अच्छी बात भी कि मेरा रेडिकल मैस्टेक्टोमी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा लंप साइज छोटा था और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो और अपना 0 डिग्री स्टेज फर्स्ट स्टेज पे था, तो वो ओनली लंपेक्टोमी से, यानी लंप निकालने से ही हो गया। तो एक वो भी अच्छा प्लस पॉइंट रहा मेरे इसमें। पर एक चीज थी, ERBR नेगेटिव था मेरा, जो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट रहती है, और HER2 पॉजिटिव था। उसमें कोई मेडिसिन बाद में काम नहीं करती है, जैसे कई लोगों का इसका जो अपोजिट आता है, उन लोगों का टेमोक्सिफेन नाम की टेबलेट चलती है, तो वो उस टेबलेट से उनको रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मेरे उसमें जो मेरी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट थी, उसमें मेडिसिन कुछ काम नहीं आने वाली थी। तो जब मैं सेकेंड टाइम वहां पर गई फॉलोअप के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं, डॉक्टर आडवाणी है वहाँ पे, मैंने सोचा इनसे मैं एक सेकेंड ओपिनियन ले लेती हूँ कि वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि आपको सिर्फ चलना है, ओनली वॉकिंग, आप जितना आप वॉक करोगे और चलोगे उतना आपको रिकरेंस नहीं होगा। मतलब उनका मतलब ये था कि योगा, एक्सरसाइज या जो भी है, ये कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने ऑलमोस्ट उसको फॉलो किया है। कुछ भी मैं 1 आवर के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर करती हूँ, और अभी मेरा ईयरली फॉलोअप होता है। ईयरली फॉलोअप में पहले मैं जाता थी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ही जाती थी, पर एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज्यादा रश रहता था। तो 3-4 साल सब ठीक रहने के बाद में अब मैंने इंदौर में ही
ईयरली फॉलोअप चालू कर दिया है. उसमें मुझे सोनोमेमोग्राफी करवाना रहती है. पहले मेरी होल एब्डोमेन सोनोग्राफी और एक्सरे भी होता था, लेकिन जब 3-4 साल सब नॉर्मल आता रहा तो अब ओनली सोनोमेमोग्राफी होती है. और इसके अलावा मेरी कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही है, क्योंकि जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करती, और ना मेरे कोई मुझे कोई सप्लीमेंट्स लेना पड़े, ना कोई विटामिन, कुछ भी नहीं. बस पॉजिटिव एटीट्यूड और अपना विल पावर, स्टेमिना, रेगुलर हेल्दी डाइट, जंक फूड वगैरह ये बहुत खाती हूँ पर बहुत कम खाती हूँ. और उसके अलावा हेल्दी डाइट यही सब है, और एक्सरसाइज, योगा, इन सबके द्वारा मैंने अपने आप को 10 ईयर्स हो गए हैं काफी हद तक हेल्दी रखा हुआ है, और हैप्पी भी हूँ मैं. तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है. आप अभी भी फॉलोअप के लिए जाते हैं? हाँ, अभी भी फॉलोअप, पूरा ईयरली फॉलोअप होता ही है. तो उसमें जस्ट एक ओनली एक जांच होती है, सोनोग्राफी प्लस मेमोग्राफी, बस और कुछ भी नहीं होता. तो पहले वही जाती थी मैं बॉम्बे, लेकिन अभी इंदौर में ही करवा लेती हूँ. तो जैसे आपने कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट लिया, और आप आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद है, तो आपने कभी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज की तरफ नहीं सोचा कि? एक्चुअली मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, पर मैं समझती हूँ कि जो अपना साइंटिफिक जो डेवलपमेंट रिसर्चेस हो रही है उसमें मैं सब, मतलब इवन मेरे लिए भी और सभी को सलाह और मैसेज देना चाहती हूँ कि अपन जो कैंसर जैसी क्रिटिकल डिसीजेस में हम लोग ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते हैं. वो हम लोग को एक सप्लीमेंट दे सकते हैं, आगे के लिए रिकरेंस नहीं हो उसके लिए हम लोग से सहारा ले सकते हैं, जैसे जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स वगैरह है वो ले सकते हैं. परंतु केवल उसके ही दम पे हम सोच सकते हैं कि हम कैंसर को जीत जाएं, वो पॉसिबल नहीं है. तो मैंने अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लिया उसको, एज अ सप्लीमेंट लिया. ट्रीटमेंट तो मैंने पूरा कीमोथेरेपी और पूरा मॉडर्न मेडिसिन वाला ही लिया. और मैं सबको भी यही मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सी जगह पे बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि हम लोग इसको ठीक कर देंगे आयुर्वेदिक से या किसी अल्टरनेटिव थेरेपी से. पर जो भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा और भी कई लोगों के मैंने सुने हैं केसेस, तो उसमें मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा कुछ और काम कर सकता है. इसलिए ये जो प्रोटोकॉल है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, ये सबको फॉलो करना चाहिए. तो जैसे आपकी बहुत यंग डॉटर थी उस टाइम पे, तो हाउ हार्ड इट वॉज कि आप उसकी उसके साथ एक पर्सनल लाइफ मेंटेन कर रहे हो, आप डॉक्टर्स के जा रहे हो, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो सब आपने कैसे हैंडल किया? एक्चुअली वो तो इतनी छोटी थी कि उसको मैंने उस वक्त कुछ बताया ही नहीं था कि कुछ है. और मैं एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया कि अदरवाइज मैं आई वॉज हेल्दी, तो मैं सब कुछ करती थी नॉर्मली ही, जैसा पहले करती थी वैसे. एक्चुअली जो मेरे यहाँ पे कुक मैड सर्वेंट आती है जो हेवी काम के लिए, वो तो मैं वैसे भी उनसे ही करवा रही थी. तो मुझे सिर्फ छोटा मोटा काम और क्लिनिक का ही करना था, तो वो मैं मैनेज कर पा रही थी, इसलिए उसको कुछ इतना पता ही नहीं पड़ा. उसको तो कम से कम मैंने 3 या 4 साल बाद, वो भी एक्सीडेंटली किसी के सामने कोई बात निकली तब बताया था मैंने उसको, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, वो समझ भी नहीं पाती कि क्या हो रहा है. तो बस ये जरूर हुआ था कि एक दिन रात में सोते वक्त मैं रोज रात में विग लगा के सोती थी, क्योंकि वो मेरे साथ सोती थी. यदि मैं विग नहीं लगाऊंगी तो उसको लगेगा कि मम्मी के बालों को क्या हो गया. पर एक दिन रात में मेरी विग निकल गई तो मैंने जल्दी से उसको जल्दी से लगा ली. फिर उसने कुछ एक का सेकंड के लिए कुछ शायद ऑब्जर्व किया होगा, तो अगले दिन उसने मॉर्निंग में मुझसे पूछा कि मम्मी वो आप रात में ऐसे कुछ क्यों लग रहे थे. मैंने उसको फिर ऐसे ही तुझे ऐसा कुछ लगा होगा, सपना अपना दिखा होगा, ऐसे करके मैंने उसको टाल दिया. बाकी वैसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई फेस करने में, क्योंकि एक्चुअली वो छोटी थी और उसकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल, सब बच्चा इसमें चला जाता है, तो बहुत ज्यादा ऐसा उसको कुछ रियलाइज नहीं हो पाया या होने दिया हम लोगों ने कि कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ चल रही थी. इस जर्नी में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, भले ही मतलब सिम्टम्स ना हो, साइड इफेक्ट्स ना हो, पर जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट होती है. तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ एक इंसान की मतलब इंक्लूडिंग फिजिकल हेल्थ वो भी अफेक्ट होती है, तो आपने अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को कैसे स्टेबल रखा ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम? मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को भी शुरू से ही तवज्जो देती हूँ, तो काफी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको मैं सुनती थी वैसे भी. तो डॉक्टर जैसे कि मैं ब्रह्मा कुमारी, बीके शिवानी है, उन लोग उनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, मानती हूँ, उनके लेक्चर्स में बहुत सुनती थी. पता नहीं उनकी बातों में क्या है कि मैं जो भी सुनती हूँ उसको इम्प्लीमेंट बहुत इजी वे में कर पाती हूँ. और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं
पर उनका ऐसा रहता है कि जो मैंने सुना बहुत इजी लैंग्वेज में या बहुत इजी वे में समझाते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इजी होता है. तो वो कुछ सुन के और थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि वन आवर हेल्थ के लिए देना और हेल्दी राइट्स. और मेरा मैं एक्चुअली हमेशा एक्चुअली आई एम यूफोरिक पर्सन. मैं हमेशा खुश रहने वाली मैं मुझे हमेशा खुश रहने ही अच्छा लगता है. तो मैं ऐसी चीजें सर्च करती हूँ. आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर एंड मोर जॉय इन माई लाइफ. सो जब भी कोई मौका आता है बाहर, जैसे मैं नेचर को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे नेचुरल हॉलीडे ट्रिप्स वगैरह बहुत पसंद है. जब भी कभी कहीं वन डे पिकनिक या फिर और भी ज्यादा समय के लिए कहीं जाना हो, ट्रिप बनती है, तो मैं कभी भी उसको नेवर मिस इट. मैं हमेशा चाहती हूँ कि काम तो हमेशा चलता रहेगा लेकिन ये चीजें कभी नहीं आ सकती. और कैंसर होने के बाद तो और ज्यादा ही हो गया था कि ये लाइफ हमको जो मिली है वो बोनस लाइफ है. ये बोनस लाइफ है इसलिए हम जितना ज्यादा अच्छे से लाइफ खुल के जी सकते हैं उतना जीना चाहिए और पूरा एंजॉय करना चाहिए लाइफ का. तो उसके बाद तो लोगों का डर भी नहीं रहा कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा. जो करना होता है वो करते हैं. डांसिंग, सिंगिंग, पिकनिक, आउटिंग, और बिना मतलब ये सोचे हुए कि कोई क्या बोलेगा, अपने को करना है इन्हें करना है. कि किसी के उसमें नहीं रहते कि यार ये अपन ने ऐसा कर लिया तो ये कुछ बोलेगा तो ये नहीं करना चाहिए, या अपने को ठीक लग रहा है तो फिर देन वी गो फॉर इट. सो इस टाइप से मैंने मेंटल एंड फिजिक इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करके रखा. आपको देख के लग भी रहा है कि आप बहुत ही जॉयस पर्सन हो. दैट इज ट्रू. अच्छा आप मुझे ये चीज बता सकते हैं कि जैसे कि है ना इस ड्यूरेशन में बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं कि पहले आप कुछ करते थे और बाद में आप फिर नहीं करते हो या कुछ और करते हो, तो ऐसे कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए? थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में वन ईयर था. एक्चुअली वन ईयर तो आई वाज टू मच फ्राइटेंड आल्सो. उस वक्त बहुत डर लगता था. इवन वन ईयर तो ऐसा होता था कि कोई सिम्टम दूसरा भी किसी बीमारी का या हल्का फुल्का कुछ भी लग रहा है तो ऐसा लगता था ये कैंसर से रिलेटेड ही है. मुझे कुछ रिकरेंस तो नहीं हो रहा है, कहीं और तो नहीं हो रहा है. आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इस सिर्फ ये जो मेंटल सोच थी कि ज्यादा ओवर थिंकिंग, उसकी वजह से मैं दो बार तो बॉम्बे चली गई एमआरआई करवाने जिसका कोई मतलब नहीं था. अननेसेसरी मनी एंड टाइम वेस्टेज था. बट ये ना कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो जाता था करवाने के बाद में कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो फिर मैं मतलब माइंड से वो चीज निकल जाती तो मैं कंफर्टेबल हूँ. ये एक साल ये चीजें चली थी थोड़ी सी, पर फिर उसके बाद में इन चीजों को इतना वो नहीं रहा, मतलब ठीक रहा बाद में. फिर मतलब इन चीजों से मैं निकल गई थी. पर ये जरूर है कि जब भी फॉलो अप के लिए जाते हैं, शुरू शुरू में जाते थे 3-4-5 साल, तो 8-10 दिन पहले से एंजाइटी चालू हो जाती थी कि यार अपन ईयरली फॉलो अप के लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ निकल ना जाए. क्योंकि अब जैसे हम लोग काफी लोग हैं, हमारे ग्रुप में भी काफी लोग हैं, हम लोग सुनते हैं कि किसी को रिकरेंस हो गया या मेटास्टेसिस हो गया, स्प्रेड हो गया, या किसी की कंडीशन क्रिटिकल हो गई या किसी की डेथ ही हो गई, तो थोड़ा डर तो लगता ही था. तो इसलिए एंजाइटी तो चालू हो जाती थी. पर फिर ठीक है, शुरू में 3-4-5 साल ज्यादा रहता था, लेकिन अब जब आफ्टर 5 ईयर्स तो थोड़ा फ्री हो गए थे और अब 10 ईयर्स हो गए तो लगता है काफी कंफर्टेबल है. आपके हस्बैंड आपके केयर गिवर थे ड्यूरिंग होल टाइम राइट? हाँ, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा. बहुत वो एक्चुअली बहुत ही पोलाइट पर्सन और बहुत ज्यादा सपोर्टिव और बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं. और उन्होंने इवन मतलब हम लोगों ने क्या किया था, जब मेरी वहां से हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये था कि ज्यादा नहीं है वगैरह, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये कहीं टाटा मेमोरियल में करवाने के बाद भी अपन कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं. तो हम इन्होंने और डॉक्टर अनीता बोर्जेस है वहाँ पे बॉम्बे में, उनके यहाँ पे अलग से स्लाइड्स मेरी दी थी चेकअप करवाने के लिए. उसका जब हिस्टोपैथोलॉजी है तो उन्होंने हल्का फुल्का कुछ बता दिया था कि जो लंप है उसके बाहर भी कुछ थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है. तो सिर्फ वो रिपोर्ट बताने के लिए बॉम्बे चले गए डॉक्टर बड़वे से मिलने के लिए कि आपने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है और इसमें ये आ रहा है तो वापस सर्जरी करना है क्या? फिर उन्होंने सर ने सेटिस्फाइड करा कि नहीं, अपन यदि कीमो और रेडिएशन भी ले लेते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं. तब जाके फिर ये उनको थोड़ा सा वो रहा कि नहीं अब कुछ नहीं होगा. केयर गिवर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज उनको स्ट्रेंथ बनना होता है पेशेंट की. तो नहीं, वो पूरी तरह से सपोर्ट करते थे. इवन सभी लोग मतलब जो जो मेरे बाकी मेन तो सपोर्ट उन्हीं का रहा, मेरे हस्बैंड का हर तरह से. और ट्रीटमेंट पार्ट में उन्होंने कभी भी कुछ भी इग्नोर नहीं करा और जो बेस्ट पॉसिबल था वही किया. हर क्राइसिस जो आता है अपनी लाइफ में, ये क्राइसिस ही है तो कोई लेसन सिखाता है. तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या लेसन, लाइफ लेसन सीखा इससे?
मुझे लगता है कि देर आर सो मेनी थिंग्स ना, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आ सकते हैं अपने, और तो उसमें ये है कि अपना जो विल पावर रहता है या अपनी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, इससे फर्क पड़ सकता है। और जब भी कोई चीज आती है तो यदि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट ठीक है आप कर, तो जब भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है सबसे पहला एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एनी मिसहैपनिंग, मिसफॉर्च्यून और एनीथिंग लाइक एनी डिसीज और एनीथिंग, एनी सर्कमस्टेंसेस। सो वी हैव टू कम अक्रॉस देम। सो उसके लिए हमें अपना पूरी तरह से, उसके लिए हम लोग क्या बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो करना जरूरी होता है। एक्सेप्ट करने के बाद में हमें एक के बाद में स्टेप लेना और उसके लिए कंसिस्टेंटली डेडिकेशन से रोज वर्क करना, वो बहुत जरूरी होता है। जैसे हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो यदि हम नहीं करते हैं, उसको रोज नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, पर जब डेली बेसिस पे कुछ भी करते हैं तो वो चीज अच्छे से सक्सेस, मतलब हम लोग उसमें स्टेबिलिटी से क्रॉस कर सकते हैं उस चीज को। और आप कंटिन्यू कीजिए। या मैसेज तो बस यही है कि इसमें मतलब कैंसर पेशेंट्स के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर, जैसे हम लोग एक संगीनी एनजीओ जो अनुपमा नेगी जी ने चालू किया था उससे हम लोग अभी भी जुड़े हुए और हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। इवन हम लोग जो पहले, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था कि पहले आप क्या करते थे जो अभी नहीं करते, तो पहले बल्कि हम जो नहीं करते थे वो आप करते थे। तो मतलब इवन कई चीजें ऐसी थी जो पहले सोचते थे कि क्या पता अपन कर पाएंगे कि नहीं, आपने तो क्यों करना है, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ करना है। तो हम लोग उसमें एक्टिंग, ड्रामा, डांस, सिंगिंग और सभी कुछ करते हैं, सब इंजॉय करते हैं। तो मैं कैंसर पेशेंट्स को, हम लोग ये जो करते हैं लिवर फंक्शन या प्रोग्राम, उसके द्वारा यही मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर होने के बाद भी आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो जरूरत आपके विल पावर की है और पॉजिटिविटी। आप बहुत लाइवली, मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपको कि आप इतने जॉयस और लाइवली हो कि आप ये सब भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ पे हैंडल कर रहे हो एंड यू स्टिल हैप्पी इन एवरीथिंग यू डूइंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो कि मैं भी नहीं करती हूँ। मतलब मुझे मल्टीटास्किंग करना अच्छा लगता है, मल्टीटास्किंग एक्चुअली मुझे सब तरह से सब चीजें करना होती है। इवन मुझे लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है कई बार, मुझे लगता है कि मुझे जैसे सिंगिंग का बहुत शौक है पर मैं बहुत अच्छा सिंग नहीं कर पाती हूँ, जैसे आवाज बहुत अच्छी नहीं है या एकदम या वैसा नहीं रहता है, पर मतलब मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए टाइम निकालना चाहती हूँ कि सीखना है मुझे, पर वो नहीं हो पा रहा है, पर मैं ठीक है ऐसे ही करते रहते प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट हो जाता है। प्रैक्टिस तो करते हैं, घर में तो गाते रहते हैं। इवन मतलब इवन किचन में खाना वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी है, तो यदि मोबाइल में कोई गाना नहीं आ रहा है तो अपने मुँह से चालू हो जाते हैं भजन भी। इवन मुझे भजन का भी बहुत शौक है हम लोग, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत रिलीजियस है, हमारी दादी जी ने सब लोगों को लाइन से बिठा के भजन सिखाए थे तो वो सारे भजन हमको याद है। और वो चीज बहुत ना मोटिवेशनल थे ना, कि मतलब एक तरह से यदि आप भजन भी करते हो तो वो भी एक तरह से मेडिटेशन का काम करता है आपके लिए, जो अपने यहाँ पे जो हिंदू धर्म में माना गया है कि रोज आपको प्रेयर करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, तो वो ठीक है, उससे आपको वो एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही होता है कि आपने सुबह सुबह 5-10 मिनट भगवान को याद कर लिया, मतलब आप बहुत पॉजिटिव हो गए और आप भगवान को लेके हर जगह चल रहे हो, आपके साथ में या भगवान मेरे साथ में ये विश्वास रहता है, तो आप दिन भर आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस एक आखिरी सवाल है मेरा कि इस पूरी जर्नी में और अभी तक जो मतलब आपकी जो लाइफ रही है उसमें जैसे कि ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी चीज होती है जिंदगी में, तो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो ड्यूरिंग दैट जर्नी? मैं ग्रेटिट्यूड तो मतलब सबसे पहले तो इसी के लिए है कि भगवान ने मुझे एक मुझे अपने आप में जो सबसे बड़ी क्वालिटी लगती है वो खुश रहने की लगती है, कि मुझे एक ये बनाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मुझे हमेशा खुश रहना। तो कुछ भी छोटी सी सिचुएशन भी आती है, बड़ी भी आती है, तो मैं उस चीज को करेक्ट करके और आगे बढ़ जाती हूँ और मुझे उस चीज की खुशी रहती है, सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई मुझे उसको अच्छे से क्रॉस कर लिया है और अब मुझे उसका कोई रेंजो गम नहीं है। तो ये चीज है कि ये भगवान ने मुझे जो क्वालिटी दी है उसके लिए मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार
उसके बाद में मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स, बहुत अच्छा जीवन साथी, बहुत अच्छी डॉटर, और जो भी मेरे रिलेटिव ने वो सब बहुत अच्छे, इवन मेरे, मैंने आपको सब बताया, मेरे सर्वेंट्स मेट सभी लोग बहुत अच्छे, सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो ये एक सबका बहुत शुक्रिया है, क्योंकि ये लोग सब अपना काम अच्छे से करते हैं तो मैं अपना काम अच्छे से कर पाती हूँ। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि मेरा कैंसर हुआ लेकिन जीरो स्टेज पे था, या DCIS था, बहुत कम डिग्री का था, तो वो मतलब मुझे भगवान का उसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मुझे कुछ ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा। इवन मेरी रेडिकल एस्टेक्टमी नहीं हुई, तो हमारे ग्रुप में ही कितने लोग हैं जिनका पूरा ब्रेस्ट निकाल जा चुका है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है जिसके लिए मैं भगवान के लिए बहुत शुक्रगुजार। इसके अलावा मैं भले ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ पर मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, और मैं अपनी जो एवरेज मेरी सक्सेस है और एवरेज अर्निंग है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इन सब चीजों के लिए भगवान का बहुत शुक्रिया। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू, सो हैप्पी। मतलब आज से आप स्माइल करते हो तो मेरा स्माइल करने का मन करता है। आप, योर स्माइल इज इन्फेक्शियस सॉर्ट ऑफ। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग विच यू डिड, एंड रियली रियली इंस्पायरिंग टू हियर योर स्टोरी। यू गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड मेंटेनिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस अलॉन्ग विद इट। तो आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, एंड रियली थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं एंड आपने ये शेयर की है। थैंक यू फ्रॉम लव हील्स कैंसर एंड zenonco.io। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया, मुझे सुना, मुझे आपने जो भी मेरी जर्नी है और मेरे थॉट्स या मेरी लाइफ के बारे में या मेरे बारे में आप बहुत अच्छा मुझे। Thank you so much for doing this. Thank you from our side. And please have a good day and have a good life. And I wish आप singing भी अच्छी करो, आप dancing भी अच्छी करो, and you achieve whatever you want. एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब ये सब के अलावा भी मुझे जब मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन फाइनेंशियल नहीं, मुझे जब मैं अपने बॉडी से, अपने फिजिकल एफर्ट से किसी के लिए कुछ कर पाती हूँ तो वो मुझे बहुत खुशी देता है। तो इसीलिए मैं ऐसा, जब भी मुझे ऐसा कोई मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसको फुलफिल करूँ, या किसी की भी जो भी हेल्प कर सकूँ, तो वो भी मेरा एक मोटिव है लाइफ पर। तो जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है, मैं जहाँ तक हो सकता है सबकी हेल्प करना, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें हैं पर ये मुझे बहुत खुशी देती है। जॉय ऑफ गिविंग कहना चाहिए, तो जॉय ऑफ गिविंग। नहीं, इस सेशन से भी मेरे को पता है कि बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी, बहुत लोगों को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी, तो यू आर हेल्पिंग सम वे। सो थैंक यू डॉक्टर संगीता, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच।